हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसा बात जो मैंने पहले से आपको बता चुका था कि आज का जो वीडियो होगा ये के सेक्शन हम लेंगे कि क्या रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी एंड मार्केट के बीच में, क्या रिलेशन है और उस रिलेशन को आपको कैसे देखना चाहिए। मैं इसलिए इस रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस देश में आप देख सकते हैं कि हर कोई आध्यात्मिक यानी एंगल से देखने से होता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, जब वो लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करेंगे, तभी तो मार्केट में क्या होता है ना, वो कब मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। तो एक एंगल हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ में मार्केट को रिलेटेड कर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर, एक न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर क्या हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केट के बारे में, या ये सही है या गलत है, इसके बारे में डिटेल से के वीडियो ला जाए और एक एनालिसिस किया जाए कि एक्चुअल क्या इसके पीछे में सच्चाई है। तो देखिए, हम पहले आपको बताते हैं क्या एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के जो एक्चुअली जो कंसेप्ट है, जो न्यूमरोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो प्लैनेट है, जो 9 प्लैनेट है, उस प्लैनेट में आप देख सकते हैं सन, मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु, केतु, इन 9 प्लैनेट है। और इस प्लैनेट में सबसे द क्लीन ऑफ प्लैनेट जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी में, वो है सन। और क्वीन ऑफ द प्लैनेट मून बोलते हैं, और मार्स जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ना, सेनापति बोलते हैं, यानी आपको जो आगे रहता है, जो युद्ध में आगे रहता है, सबसे जो कमांडर बोलते हैं, कमांडिंग पोजीशन जिसका है, कमांडर जो है वो है आपका मार्स है। और ज्यादा से ज्यादा गुरुओं की बात जो है वो जुपिटर एंड वेनस का काम करते हैं। सोल्जर ऑफ द फाइटिंग जो कैपेसिटी में रहते हैं वो सटन को माना गया है। और माना गया है कि जो सटन है, कि जो शनि है, वो क्या करता है कि आपको ना गलत करने के लिए देता है और आपको ज्यादा से ज्यादा पनिश कराता है, यानी आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको पनिश कराता है। और ये सबसे पावरफुल प्लैनेट भी माना गया है, मार्स के बाद कोई अच्छा और कोई पावरफुल प्लैनेट है वो काम के लिए, यानी वार के लिए, काम के लिए, फाइटिंग नेचर के लिए, वो है आपका सटन। सटर्न एंड मार्स ये दोनों एक ऐसा प्लैनेट है जो आपका फाइटिंग नेचर होता है, एक पावरफुल प्लैनेट होता है, इसका काफी सारे यानी आपका जो इन्फ्लुएंस मैन यानी एवरी पर्सन का लाइफ में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का फ्रेंड कौन है, इनमी कौन है, न्यूट्रल कौन है, हम जिस ईयर में है, यानी इस जो सेकंड स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ इसको आप देखिए, जिस मंथ एंड ईयर में हम है वो कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है और किस प्लैनेट के लिए है। मान लो आपका जो प्लैनेट है ये आपका 2024 में है, तो आप 8 नंबर के आप आ गए। 8 नंबर का मतलब क्या है, हर प्लैनेट का एक नंबर होता है, मैं न्यूमरोलॉजिकल आपको समझा रहा हूँ। तो आप इसको स्टडी कीजिए, आप इसको स्टडी कीजिए, देखिए एक जस्ट ए ओवरऑल आइडिया है तो हमें इसको लेकर क्या कुछ मिल सकता है और क्या कैसे प्रेडिक्शन हो सकता है, ऐसा हमें मानना है सही तरीके से समझे। तो ये जो प्लैनेट का स्ट्रक्चर है, सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकुरी, वेनस, केतु, सैटर्न, मार्स, ये सभी का एक एक नंबर है। तो नंबर जो है हम देख रहे हैं कि सटन का जो नंबर है, शनि का जो नंबर है वो 8 नंबर का है। तो अभी जो ईयर चल रहा है 2024, उसका जो नंबर आ गया है 8 नंबर, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 8 नंबर का नंबर है। 8 नंबर का मतलब है शनि, इसका जो ईयर है वो मानकर चलेंगे कि ये ईयर जो है शनि का ईयर है। ओके, तो आप देखिए 2025 9 आ गया, इसका मतलब है आपका मार्स का आपका ईयर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो 2026, तो ये आपका आ जाएगा 10, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है सन का नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद आप देखिए ये 11 का नंबर आ जाता है, इसके बाद 2 आ जाता है 2027, ये इसका मतलब है 2, इसका मतलब है मून का टाइम आपको आ जाएगा।
इसके बाद आप देखिए ये जो 2028, ये 12 का मतलब है 3, इसका मतलब है मरकुरी, सॉरी आपका जो ये मरकुरी सॉरी जुपिटर, जो 3 नंबर का है जुपिटर का लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा 2028 में। और उसके बाद सबसे खतरनाक जो ईयर होगा वो है 2029। इसके बारे में 2029 के बारे में काफी सारे जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर चुके हैं, काफी सारे प्रेडिक्टर प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, और काफी सारे जो बुक है उसमें भी ऑलरेडी इसके बारे में लिखा गया है 2029 कैसे रहने वाला है। तो 2029 एक सिचुएशन क्रिएट करने वाला है, खतरनाक सिचुएशन, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। अभी देखेंगे कि मार्केट के बारे में क्या हो सकता है और मार्केट क्या आपको प्रेडिक्शन कर कर देता है, इसके बारे में बात करेंगे। 2024 ये जो नंबर है, 8 का नंबर है, और ये 8 का नंबर का कनेक्शन क्या है और किसके साथ कब आपको करेक्शन दे सकता है। 8 नंबर तब तक अच्छा था जो जनवरी से स्टार्ट हुआ 2024। आप देख सकते हैं ये जो 8 नंबर किसके साथ न्यूट्रल है और किसके साथ फ्रेंडली है। आप यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जो है सटन है वो आपका वेनस और मरकुरी राहु, ये तीनों के साथ आपका ये फ्रेंडली रिलेशन था, और न्यूट्रल जो था ये मरकुरी एंड जुपिटर के साथ न्यूट्रल था। लेकिन इन भी किसके साथ है, जो प्लैनेट है सन मार्स राहु मून, ऐसा नहीं होता है कि किसी के प्लैनेट के साथ उसका कोई यानी बुरा, उसके साथ इसका किसी के साथ बुरा नहीं होता है, लेकिन कुछ प्लैनेट इसके साथ अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मून न्यूट्रल ही रहता है सभी प्लैनेट के लिए क्योंकि ये क्वीन ऑफ द प्लैनेट है। तो ये जो आपको है ये सटन के साथ, सटन इनमी हो सकता है लेकिन मून नहीं है, तो इसको न्यूट्रल मानकर चलेंगे। लेकिन जो सन मार्स राहु, ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको क्या है ना, इसके साथ आपको जोड़कर देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो महीना स्टार्ट हुआ जनवरी महीना, ये जो रिलेशन स्टार्ट था यानी आपको जो सटर्न का महीना, जो सटर्न का जो ईयर है, जो जनवरी का जो स्टार्टिंग था उसमें क्या है, जो सटर्न है और जो सन है उनके जो रिलेशन है वो है सन एंड फादर का रिलेशन था। यानी फादर थोड़ा सा गुस्से में आते हैं कि सटन के साथ इनमी हो सकते हैं, लेकिन सटन क्या करता है ना, रिस्पेक्ट देता है सॉन को, क्योंकि पिता पुत्र का उसके साथ उनके रिलेशन है। उनके साथ आप देखिए फरवरी महीने आ गया, सटन एंड जो ईयर था सटन का था, फरवरी महीना था, दो का था, मून के साथ जो रिलेशन है आप देख सकते हैं रिलेशन आपको कहाँ है। तो सटन का ईयर चल रहा है तो थोड़ा सा आपको आएगा, लेकिन ये न्यूट्रल था ऐसा चला गया ठीक ठाक है। उसके बाद मार्स आया, मार्स के साथ आपको देख सकते हैं ये जो आपका है मार्च का महीने आया, 3 नंबर का था, 3 नंबर का मतलब है जुपिटर, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शनि के साथ ये आपको अच्छा चला। उसके बाद आप देखिए अप्रैल महीना 4, यानी आप देख सकते हैं ये जो आपका सटन का महीना जो 4 है मार्स का है, तो ये भी रिलेशन आपका अच्छा चला और ये आपका अप्रैल महीना अच्छा चला। उसके बाद आपका मई आया, मई मतलब है 5, 5 का मतलब है आप मरकोरी, आप देखिए मरकोरी का आपका जो है न्यूट्रल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मई महीना में चला गया। उसके बाद आइए 6, 6 का मतलब है आप देख सकते हैं वेनस, वेनस का मतलब आपको दिखाता हूं मैं, वेनस क्या है ना, वेनस आप देखिए यहाँ पर आपको सटन का है वेनस है, लेकिन ये आपका फ्रेंडली प्लैनेट है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंडली प्लैनेट है ये मानकर चलेंगे। तो इसके बाद आप चाहिए ये जो आपका महीना स्टार्ट हुआ उसके बाद आया जुलाई, जुलाई का मतलब है आपका 7 एंड 7, इसका मतलब है आपका ये जो 7 नंबर है केतु का टाइम, यानी आपका केतु है न्यूट्रल, ये छाया ग्रह जिसको बोलते हैं, ये जो आपका रिलेशन है ये खराब रिलेशन नहीं है, राहु के साथ भी खराब नहीं, ये नेगेटिव प्लैनेट है इसलिए न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि शनि जो है नेगेटिव प्लैनेट और ये जो प्लैनेट है वो उसके कारण वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन असलियत जो टाइमिंग स्टार्ट होता है, जो पावर कंप्लीटली पावरफुल एंड कंट्रोलिंग पावर होता है जो अगस्त महीने का, वो 8 से स्टार्ट होता है। 8 यानी आप हमें मानकर चलेंगे पिछले 2 महीने के पहले मैंने जो बताया था, एक कन्नड़ से हो सकता है कि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं अगस्त महीना कंप्लीटली शनि के कैप्चर में होगा, यानी अगस्त महीने का मतलब है आपका क्या है ना, सटन कंट्रोलिंग मंथ,
यानी ईयर भी आपका होगा सर्टन एंड मंथ भी होगा सर्टन। इसका मतलब है कंडीशन कंडीशनली कंप्लीटली पावर सर्टन के हाथ में रहेगा। तो वो क्या करेगा ना, कंप्लीटली ये कंट्रोलिंग नेचर से आपको कंट्रोल करेगा सिस्टम को। इसका मतलब है सनी का जो सटन का जो नेचर है वो क्या करता है, फर्निश कराता है। यानी कुछ भी आप गलत काम करते हैं, कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ भी इधर उधर का काम होता है, जो भी कुछ मैनिपुलेशन काम करते हैं वो पनिश कराता है। यानी जो एक्चुअली करेक्शन होने वाला जो चीज होता है, जो पनिश कराने का जो टाइमिंग स्टार्ट होता है, वो अगस्त महीने में स्टार्ट होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, जो हम कन्नर कर कर देख रहे थे कि क्या कनेक्शन हो सकता है मार्केट के साथ, ये हो गया आपका अगस्त महीने में करेक्शन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आपको क्या है ना, सितंबर महीना, यानी इस जो महीना चल रहा है वो सितंबर, आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन है इसमें आपको जो सटन का कंडीशन है इसमें मार्स है। तो मार्स के साथ इसका एनमी है, एनमी प्लैनेट, यानी ये जो महीना में चल रहा है वो एनमी प्लैनेट के साथ चल रहा है। ये आपका सितंबर महीना का डाटा है। तो सितंबर महीने 9 है, सटन आपका 9 है, प्लैनेट सॉरी 8 है। तो ये दोनों के कंडीशन में आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है। और अगस्त में आपको पनिशमेंट स्टार्ट करा, यानी आपको सटन जो है पनिशमेंट कराने के लिए सोचा, और ये कंटिन्यू चला, ये कंटिन्यू चलेगा क्योंकि इसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो शनि जो चाहेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली ईयर वाइज है और ये मंथली बेसिस में, तो ये इसको पनिशमेंट करा सकते हैं क्योंकि पूरे दबदबा पूरे के कंट्रोल जो है वो शनि के हाथ में। तो ये क्या है ना, 9 जो प्लेनेट है, 9 नंबर का है, उसके ऊपर आपका ये 80% रहेगा शनि, तो ये आपका 20% रहेगा। तो ये आपको क्या है ना, इसके ऊपर प्रेशर होगा। तो ये सितंबर महीना आपको कंप्लीटली करेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ से अगस्त महीने से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ से आपका शनि का पावर बढ़ा और इसके साथ एनमी है। उसके बाद आप देखिए 1 आ गया, इसके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। यानी आपका शनि तो रेस्पेक्ट देता है लेकिन जो आपका जो स्वान है उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है एनमी है, सटन के लिए स्वान भी एनमी है, लेकिन आपको उस टाइम पर थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका रिलैक्सेशन पीरियड हो सकता है अक्टूबर महीना, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट यानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये अक्टूबर महीने का है। उसके बाद आप देखिए 2 नंबर का आ जाता है नवंबर। नवंबर महीना आप देखिए क्या है ना, नवंबर महीना यानी आपका मून का टाइमिंग होगा। तो आपका मून का टाइम सटन के साथ क्या है, नेगेटिव है। तो वो भी आपको थोड़ा सा आपको रिकवरी हो सकता है, यानी आपको नॉर्मल न्यूट्रल में जा सकता है, लेकिन अच्छा नहीं है, यानी आपका रिलेशन खराब है। उसके साथ आप देख सकते हैं दिसंबर महीना, यानी दिसंबर महीने से ये थोड़ा सा रिकवरी होगा, न्यूट्रल होगा, एक लेवल से आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे 2025, यानी 9 स्टार्ट होगा। तो उस टाइम पर आपको देखना चाहिए कि 9 के प्लैनेट जो आज स्टार्ट हो रहा है, ये जो मार्स का स्टार्ट होगा उसके साथ जो कंडीशन है, ओनली 1 है इनमें मार्स का, वो है मरकुरी। यानी मरकुरी का मतलब है, तो आप देख सकते हैं ये जो मरकुरी का प्लैनेट है ये मरकुरी है 5। यानी आपको जो भी कुछ कंडीशनली, जो भी कुछ आपको करेक्शन वगैरह जो भी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, ये 5 नंबर यानी मई महीने तक आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद ही आपको यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, उसके बाद कुछ हो सकता है। ऐसा जो कंडीशन है, न्यूमरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसको रिलेटेड कर हमें कैलकुलेशन करना चाहिए, ये होता है। लेकिन ये जो आपको प्लैनेट के साथ मैंने आपको एक कंडीशनल वाइज जो आपको कैलकुलेशन बताया, अभी जो स्टार्टिंग हुआ है अगस्त महीने का, इसलिए 8 नंबर का जो आप देख रहे हैं, ये जो 8 नंबर का कंडीशन है, ये 8 नंबर इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ कि आपको यहाँ से जो सटन पीरियड स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये क्या कर रहा है ना, पनिशमेंट आपको देने के लिए स्टार्ट हो रहा है। क्या पनिशमेंट है ये, तो इसको अभी अच्छी तरह से देखेंगे। तो आप देखिए ये जो मार्केट का कंडीशन है, ये जो मार्केट आप देख रही हैं, इसमें आपको क्या हुआ ना, आपको देखिए ये घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। देखिए आपको जो टाइम चल रहा था हेडनबर्ग, पहला आपको मार्च महीने से पहले ही आपको जनवरी से पहले ही आपको बता दिया था कि क्या क्या होने वाला है और कितना बड़ा बड़ा आपको गिरावट देखने के लिए मिला, और फिर से
आपको रिकवरी हुआ। उसके बाद अभी क्या है ना, सेबी के चेयरमैन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ रहा है, शेयर मार्केट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या मैनिपुलेशन चल रहा है, कैसे चल रहा है, काफी सारे कंट्रीवर्सी मैटर क्रिएट हो रहा है और इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो जो इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है न्यूज बेसिस में, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो लिक्विडिटी बॉन्ड है जो डाला जाता है मार्केट में, वो कौन उसको हैंडल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे यूज होता है, किसी को पता नहीं। सेलिंग अकाउंट जो क्रिएट होता है मार्केट में, जो कंपनी का सेलिंग अकाउंट वगैरह क्रिएट होता है, किस आधार पर क्रिएट होता है, किसमें कंट्रोल है, किसके हाथ में कंट्रोल है, एफआई एंड डीआई का जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो आपको बोले थे कि एक गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म टेररिस्ट के बीच में डिफरेंशिएशन अभी तक हमें पता नहीं है। तो ऐसे ही आप देखिए, जो आपका मैं इसलिए एक एग्जांपल दिया, जो सेलिंग अकाउंट है और जो आपको जनरल अकाउंट ओपन होता है इंडिया में, जो कंपनी का अकाउंट है जो जिसमें होता है सेलिंग अकाउंट होता है, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियरेंस, उसमें जस्टिफिकेशन, अवेयरनेस अभी तक नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि एफआई जो है वही तो डीआई नहीं है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जो देश में डीआई है, जो आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह जो बड़े बड़े ऑपरेटर प्रमोटर बैठे हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो LIC वगैरह, जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, जो जितने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इसके जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो FI जो बैठे हैं बाहर का जो बैठे हैं, क्या इसके बारे में कुछ अवेयरनेस वगैरह लोगों के पास होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए क्या सेलिंग अकाउंट आया था, क्या सेलिंग अकाउंट का मतलब क्या है? क्या एक जगह पर एक व्यक्ति जॉब करने के बाद दूसरी जगह पर वो सैलरी ले सकता है या नहीं ले सकता है, क्या पेंशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जब आपका इस मार्केट में आपका जो ट्रेडर है उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप एक ट्रेडर जो आम ट्रेडर है, जो रिटेलर है, वो खाने के लिए एक जो पाव भाजी या बड़ा खाने के लिए 10 रुपया भी खर्च नहीं करता है, लेकिन एवरीडे वो 200, 300, 500, 1000 ऐसे आपको देता है कि जो ब्रोकर्स देता है, टैक्स देता है, उनको मिलता है नहीं मिलता है, यानी उनको बेनिफिट होता ही नहीं लेता है, लेकिन आपको मार्केट में डालता है और उनका वो लॉस में जाता है। गवर्नमेंट टैक्स, जबरदस्त टैक्स उनको गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन अभी तक भी ये नहीं आया है कि गवर्नमेंट हर महीने में कितना टैक्स गवर्नमेंट लेता है, मार्केट से उनको फायदा होता है, ये अवेयरनेस नहीं हुआ है। सब कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है लेकिन सभी के पास है वेबसाइट में, लेकिन इसके ऊपर कितना अवेयरनेस हुआ है, कितना बेनिफिट मिलता है, कितना परसेंट एक व्यक्ति मार्केट में कमा सकता है, 3%, 4%, 5%, 15%। जनरली आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 4-5% मिलता है, म्यूचुअल फंड आपको 12-15% देता है, लेकिन उसके ऊपर आपको जो फायदा मिलता है, यानी मार्केट में आप फायदा मिलता है तो मार्केट में आते हैं, तो आपको कितना मिलता है? तो ये बात आपको समझने आता है कि लेकिन अभी जो सिचुएशन मार्केट में आ गया है, मैंने कहने का मतलब है कि मार्केट जिस स्थिति में अभी है, काफी खतरनाक स्थिति में है, और मार्केट का प्रेडिक्शन करने का जो एंगल है, यानी कौन सा रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी के साथ, न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ, मैंने एक रिलेशन क्रिएट बिल्टअप किया और आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, ये जो आपको मैंने एस्ट्रोनॉमी के साथ, न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ मैंने कनेक्ट कर आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका डिसीजन लेने वाला बात है, ये आपको स्टडी कर लेना पड़ेगा। देखिए, अभी मार्केट मैंने आपको जुलाई महीने में बता चुका था कि अगस्त महीने में मार्केट स्टार्ट होगा करेक्शन, अगस्त महीने पहले से करेक्शन स्टार्ट हुआ और ये करेक्शन कंप्लीटली क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, करेक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्रैश नहीं हो रहा है। तो ये जुलाई महीने का मेरा जो प्रेडिक्शन था कि अगस्त महीने में स्टार्ट होगा करेक्शन और धीरे धीरे कंटिन्यू होगा, आप पिछले जुलाई महीने में जो वीडियो मैंने डाला है करेक्शन करने का जो प्रेडिक्शन डाला है उसको आप देखिए, तो एक ही आपका कब करेक्शन होगा हर कोई बोल रहा है कि नहीं, ये जो ईयर चल रहा है सैटर्न का ईयर चल रहा है और करेक्शन होगा, लेकिन कब करेक्शन होगा किसी के पास दम नहीं था बताने के लिए। तो आप देखिए, जो अगस्त महीने में करेक्शन स्टार्ट हुआ, ये करेक्शन कंटिन्यू चलेगा दिसंबर तक और ऊपर नीचे होगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगा, अपसाइड में ज्यादा टिकेगा नहीं, नीचे में जितना आएगा बाउंस बैक आएगा, कितना कहां तक आएगा ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, बैंक निफ्टी मैंने प्रेडिक्शन किया था,
मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये 51,474 ये जो लाइन है ये लाइन के ऊपर आपको टिकने वाला नहीं है, टिकेगा तो ऊपर जाएगा। देखिए पिछले 3 से 4 दिन ट्रेडिंग सेक्शन में आपको देखिए किस लाइन के ऊपर आपको स्टे हुआ, इसको समझना चाहिए। तो इसको आप एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल एंगल से देखेंगे और भी आपको और कंफर्मेशन आपको मिलेगा, इस लाइन को ऊपर गया क्यों नहीं टिका, नीचे आ गया और ये लाइन के पास ये रुक गया। और उसके बाद आप देखिए अभी किस लाइन पे, मैंने आपको बताया था रेड कलर आपका मेजर सपोर्ट पॉइंट है और ये लेवल आपको टूटता है काफी खतरनाक हो सकता है। देखिए ये लेवल तक आ गया और ये लेवल तक आने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको 50,226 कल का वीडियो भी मैंने बताया था कि ये लेवल तक आपको आ सकता है और ये लेवल आपका ब्रेक होगा तो नीचे में कहां पर नहीं है, पूरा डाउनफॉल आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद नीचे में कंटिन्यू होता है तो बड़ा फॉल होने के लिए आपको मिल जाएगा, करेक्शन देने के लिए आ जाएगा 48,459 तक भी आ सकता है, सिर्फ बाउंस आपको मिलेगा। तो बाउंस अभी क्या है ना, बैंक निफ्टी ऊपर आता है तो ये आपका बाउंस हो जाएगा 51,127, ये लेवल के ऊपर आपको टिकना टेक्निकल बेसिस में चार्ट में इम्पॉसिबल है। तो ये लेवल के ऊपर टिकना इम्पॉसिबल है तो ऊपर जाना तो छोड़िए, ऊपर का डोर आप देखिए क्लोज हो रहा है, क्रॉसओवर अपसाइड में हो रहा है, डाउनसाइड का ओपन हो रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। नंबर टू क्या है ना, निफ्टी का बात मैं आपको बता रहा हूं तो उसके बाद और एक पॉइंट के ऊपर जाएंगे बात करेंगे। देखिए निफ्टी का मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यही लाइन है, ये लाइन आपका ब्रेक होगा तो काम खत्म। तो देखिए अभी ये बाउंस जाएगा तो 25,000 के ऊपर टिकना इतना आसान नहीं है, तो ये आपका क्या है ना रेजिस्टेंट पॉइंट बन चुका है। अभी क्या है ना ये व्हाइट लाइन आपका ब्रेक होगा तो नीचे में सिंपल आपको 24,592 ये लाइन आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट आपका ब्रेक होगा तो नीचे में आप देख सकते हैं 24,249 एंड किस लेवल पर आकर ज्यादा से ज्यादा ये रुकेगा। तो आप बड़ा फॉल होता है तो ये मेजर सपोर्ट है जिसके ऊपर आपको ट्राई करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या ये लाइन है, क्या ये लाइन है और कहां तक ये रुकेगा, यानी बड़ा फॉल देगा तो किस लेवल तक आ सकता है और सपोर्ट मिलेगा तो कहां तक आ सकता है। लेकिन हमें अभी क्या करना चाहिए ना, इसमें स्विंग आता है, स्विंग मतलब क्या है, अप एंड डाउन का स्विंग आएगा, स्विंग मतलब ये अपसाइड में जाएगा, ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर टिकेगा नहीं, यहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये लेवल कुछ न्यूज आ जाता है तो ये लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये लेवल तक आ जाएगा, ये लेवल पर सपोर्ट लेगा, अपसाइड में जाएगा तो यहाँ पर सपोर्ट ले जाएगा और धीरे धीरे इसको ब्रेक करेगा नीचे, अप एंड डाउन आपको देखे, देखिए ये लाइन को गया और ये लेवल पर आपको रेजिस्टेंट पॉइंट बना, कभी भी ये आपको जो ग्रीन कलर है इसको ब्रेक कर ऊपर नहीं गया क्योंकि ये कि बैरियर हो गया और इसको आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये जो लेवल है इस लेवल को लेकर हमें कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजिकल क्या कंडीशन होता है, तो अब हमें कि कैलकुलेशन करेंगे न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन किस प्लैनेट को कुछ ये स्टॉक साथ जोड़कर देखेंगे। तो जिस स्टॉक के नाम है आप देखिए इसमें आप देखिए ये जो आपका प्लैनेट का नेचर है, मैंने आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बताता हूँ, एचडीएफसी बैंक जो आपका एनएससी में जो नाम लिया गया है ये एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक को मैं इसमें डालता हूँ, इसका क्या नंबर आता है तो आप देखिए। तो एचडीएफसी बैंक मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये आपको सोच कर देखना चाहिए, एचडीएफसी बैंक कैलकुलेशंस एंड वेट आप देखिए, इसमें आपको जो ऑनलाइन न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेटर है उसमें आप डालेंगे तो ये जो डाटा आता है ये आता है 30 का नंबर आता है, यानी आपका जो वार है उसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 3 ना आ जाएगा। ये न्यूमरोलॉजिकल आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है और ये जो 3 का नंबर है ये 3 नंबर आपको सामने में क्रिएट होता है, तो ये जो आपको है जो इसका आपको डिजाइन नंबर है वो आपको है 1 एंड ये जो आपको डेस्टिनी नंबर है ये 3 है, ये जो कंडीशन होगा ये 3+1 आप देख सकते हैं ये 3 और 1 का कंडीशन है। तो ये जो 3 और 1 का कंडीशन है ये क्या फेवरेबल और ये क्या फेवरेबल हो सकता है, ये दोनों नंबर आपको क्या है ना एचडीएफसी बैंक जो है वो आपको क्या करता है ना आपको शटन के साथ जोड़कर देखना चाहिए और महीने के साथ आपको देखकर जोड़कर देखना चाहिए तभी आपको इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये जो महीना चल रहा है ये महीना आपको क्या है 9 का चल रहा है, तो 9 का महीने में आपका जो रिलेशन हो रहा है शटन के साथ उसको आपको स्टडी करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कंसोलिडेटेड, लेकिन इसके जो शटन के साथ ये जो एचडीएफसी बैंक का जो रिलेशन है वो कुछ बुरा नहीं है,
वो गलत नहीं है। तो इसलिए आपको क्या है ना, ये कंसोलिडेट करेगा, ज्यादा करेक्शन आपको नहीं देगा, ये ही कंट्रोल करने वाला है मार्केट को, यानी एचडीएफसी बैंक फेवरेबल फॉर शॉर्ट टर्म प्लान एंड बिकॉज इसका जो आपका डेस्टिनी नंबर है थार्ड है, और हम जो डेस्टिनी नंबर थार्ड का हम देखेंगे ये जुपिटर का है, और ये जो जुपिटर का हम पॉइंट आपको निकालेंगे सटन के साथ, ये जो जुपिटर आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रल है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट के कारण क्या है ना, ये सटन के साथ उसको रिलेशन करेंगे तो ये न्यूट्रल रहेगा, ये फ्रेंडली नहीं है कि एनमी नहीं है, ये न्यूट्रल है, यानी आपको सटन के साथ जुपिटर जो है वो न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल रहेगा, यानी आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन उनको मौका मिलेगा तो टाइम आएगा, तो ये आपको क्या है ना, इसका डेस्टिनी पॉइंट जो है आपको अपसाइड में जो एक्चुअल प्राइस होगा, जो मैंने आपको बताया कि 15 लाख करोड़ के आसपास जो होना चाहिए, तो वो लेवल तक आने के 200 पॉइंट के करीब करीब मौका मिलेगा, तो अपसाइड में आ सकता है, वहां पर वो रुकेगा। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है एचडीएफसी बैंक सटर्न के लिए, तो उसको आप रिलेटेड करके देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया, तो आपको स्टडी करने इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, तो आप इसको क्या है ना, आप इसको रिलेटेड कर कर देख सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसे मैंने बताया कि इसके रिलेशन शॉर्टन के साथ क्या है, जब आपका शॉर्टन के साथ रिलेशन निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए एचडीएफसी बैंक क्या है, एचडीएफसी बैंक जिस दिन आपका ये लाइन को ब्रेक करेगा 1630 का, तो नीचे में आ जाएगा और न्यूट्रल पॉइंट में चला जाएगा, और मैक्सिमम इसका जो करेक्शन लेवल है ये करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी बड़ा करेक्शन के बाद हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, और भी इतना पॉइंट है, यानी ये लाइन आपका ब्रेक होगा, मार्केट में करेक्शन आता है, ये लाइन ब्रेक होगा तो नीचे में आएगा, अदरवाइज आपको एचडीएफसी बैंक इस लाइन के ऊपर यानी 1641 के ऊपर आपको कंटिन्यू हो रहा है, यानी इसके ऊपर जा रहा है, तो ये रिकवरी कर सकता है, अपसाइड में जा सकता है, जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन आपको बोलना चाहिए यानी आपको दिखाई देता है। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि एग्जांपल दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्टॉक के साथ क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप देखिए इसमें रिलायंस का क्या रिलेशन सटन के साथ हो सकता है, तो इसको हमें देखेंगे। तो रिलायंस आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसको देखेंगे, रिलायंस, तो देखिए रिलायंस, तो रिलायंस उसको कैलकुलेशन करेंगे, तो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें आता है आपका 7 नंबर का आता है। तो 7 नंबर का मतलब क्या है आपको पता है, 7 नंबर जो होता है केतु का होता है, तो इसको आप लेकर सटन के साथ देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो आप देखेंगे तो इसको आप इसके साथ देकर देखेंगे तो सटन के साथ जो केतु होता है वो केतु आपको क्या है ना, इसके साथ कुछ भी कोई रिलेशन नहीं है। देखिए मरकरी वेनस राहु, ये आपका राहु है, तो ये फ्रेंडली प्लैनेट है सटन के लिए, तो अच्छा होता है, फेवरेबल होता है। ये शन मून मार्स राहु, ये जो आपको क्या है ना, ये आपको एनमी प्लैनेट है, तो ये न्यूट्रल प्लैनेट है, जो केतु है न्यूट्रल प्लैनेट है, सटर्न के लिए न्यूट्रल प्लैनेट है, इसलिए क्योंकि ये वो छाया ग्रह बोला जाता है, तो इसलिए आपको इसमें दिखा गया नहीं है। तो ये जो प्लैनेट है इसके साथ आप देखेंगे तो ये आपको एक ही जगह पर कंट्रोल करेगा, यानी ऊपर नीचे होगा, इसका जो नंबरिंग आता है ये नंबरिंग के साथ आप कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री उसको डालेंगे तो और एक आपको निकल कर आएगा, तो इसके साथ आप देखेंगे ये सारे के सारे ऐसा आप देखेंगे और रिलेशन क्रिएट करेंगे, तो रिलेशन आपको क्या हो रहा है आपको पता चलेगा। तो ये था डिटेल्स इंफॉर्मेशन, एक जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने जो न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस में इसको मैंने प्रेडिक्शन जो होना चाहिए, जो काफी सारे लोग बोलते हैं क्या रिलेशन हो सकता है, उसको मैंने मिलाकर आपको दिखाया। डिस्क्लेमर इतना है कि ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंप्लीटली जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप लो, यानी आपको एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं या आपको दिलचस्प है इसमें, स्टडी करो, देखो, समझो, अच्छा लग रहा है तो उसके ऊपर और स्टडी करो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं काफी खतरनाक है। तो इसलिए जो काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी काल काम करता है, क्या एस्ट्रोलॉजी काम कर सकता है मार्केट में, ये काफी सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके
माध्यम से मैंने जो आपको रिलेटेड किया कि न्यूमरोलॉजिकल के साथ आपको मार्केट को कैसे देखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, क्या इसके पीछे में राज हो सकता है, क्या लॉजिक है, तो उसका एक ही % का मैंने आपके साथ शेयर किया कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप ऐसा हो सकता है कि ऐसा हमें प्रेडिक्शन करने के लिए मौका मिल सकता है, यानी हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो भी कुछ मैंने बताया, डिस्क्लेमर है कि आप इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो और देखने के लिए अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इसका कोई, मेरे ख्याल से ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि आप इसको फॉलो करो देखो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक माइंड में रहना चाहिए, क्या हमें सतर्क रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या एस्ट्रोलॉजी हमें बताता है कि ऐसा हो सकता है, क्या जो प्लैनेट के माध्यम से हमें कोरिलेटेड कर सकते हैं मार्केट को, क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर प्रमोटर रहे, वो क्या न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि पैसा तो लगाएंगे वो, इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में करेंगे वो प्रमोटर ऑपरेटर जो 5%, 6%, 7% बैठे हैं। तो वो जो लोग हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं बैठे हैं, वो भगवान को मानते हैं, पूजते हैं। जब वो बड़े बड़े लोग आपको, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर हैं, जो वो फॉलो कर रहे हैं, जो वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को, भगवान को मान रहे हैं, तो मार्केट तो मानेगा, क्योंकि मार्केट चलता है किसी की इशारा में, मार्केट चलता है किसी की मार्केट जो चलता है, कोई तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो मार्केट चलेगा ना। जो इन्वेस्टर है तो देख, वो बोलेगा कि उसके जो माइंड रहेगा कि नहीं, मुझे थर्सडे में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो थर्सडे में तो 10,000, 15,000, वो 15,000 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसी दिन ही मार्केट चलेगा ना। तो मार्केट चलाने के लिए, मार्केट दुकान बंद रहेगा तो मार्केट कैसे चलेगा, जो रिटेलर के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो आकर मार्केट में एक साथ 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ लगा देगा। सिर्फ HDFC बैंक को मूवमेंट कराने के लिए 1,000 करोड़ चाहिए, 1 पॉइंट मूवमेंट करने के लिए। तो कोई तो है मार्केट को ऑपरेटिंग कर रहा है, मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो मार्केट ऑपरेटर करेंगे तो ऑपरेटर जो है, प्रमोटर जो बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो वो उस दिशा में जाएंगे, मानेंगे, और मंडे को मुझे लगाना है, ट्यूसडे में मुझे निकालना है, तो ऐसे कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो मार्केट तो एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो कर कर चलेगा। तो इसलिए मार्केट में हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मार्केट का जो कर्नर है, मार्केट का जो लिंक है, मार्केट के एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या लॉजिक हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा एक हमने प्रेडिक्शन किया और आपको एक लॉजिक बेसिस में कुछ क्लू आपको दिखाया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप इस डाटा को एंजॉय कीजिए, बट इसको लेकर ट्रेड मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दिस इज द ओनली वन डिस्क्लेमर, मेरे प्रेजेंटेशन और मेरे वीडियो देखकर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड मत करना, ओनली एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।